साल 2018 में किसे पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया उसकी सूची सबसे पहले अमर उजाला टीवी ने दिखाई और अब इसी सूची में से कुछ नामों पर विवाद खड़ा हो गया है। राजनीति के रण में विवाद का ये नया दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने विस्तार में जुटे लोगों को पद्म सम्मान दिया है। हमेशा से माना गया है जब भी किसी को सम्मान दिया जाता है तो उसमें सरकार की विचारधारा की छाप दिख जाती है। कांग्रेस के शासनकाल में आरोप लगे कि तब सरकार ने किसी भी सम्मान के लिए दक्षिणपंथी विचारधाराओं को जगह नहीं दी और अब बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने अपने करीबियों को पद्म सम्मान दिए। विवाद के इस नए फेज में किस किस का नाम है आइए आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं। सबसे पहले संघ के सीनियर प्रचारक पी परमेश्वर का नाम है, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पी परमेश्वर केरल में संघ के पहले प्रचारक हैं। इन्होंने अलग अलग विषयों पर 25 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। बीजेपी बनने से पहले जब पार्टी भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी तब ये इसके अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने के पीछे वजह ये बताई जा रही है कि बीजेपी केरल में पैर जमाना चाहती है, इसीलिए वहां पार्टी को एक राष्ट्रीय पहचान वाला क्षेत्रीय नेता चाहिए। वहीं इस विवाद में दूसरा नाम है संघ की विदेश शाखा हिंदू स्वयंसेवक संघ के वेद प्रकाश नंदा, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नंदा अमेरिका में रहते हैं और डेनवर यूनिवर्सिटी में सीनियर अध्यापक रह चुके हैं। वे प्रवासी भारतीयों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। नंदा और पी परमेश्वर के अलावा मशहूर एक्टर मनोज जोशी को भी पद्मश्री से नवाजा जाने पर बवाल मचा हुआ है। इनके लिए भी कहा जा रहा है कि इन्हें बीजेपी के करीबी होने का फायदा मिला है। पेशे से एक्टर मनोज जोशी गुजरात चुनाव में बीजेपी की कैंपेन मैं विकास हूं का चेहरा बनाए गए थे। इन्होंने गुजरात विधानसभा में पार्टी के लिए काफी मेहनत की है। इसी कड़ी में अगला नाम है असम गण परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत की पत्नी जयश्री गोस्वामी महंत का। जयश्री गोस्वामी महंत को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, लेकिन ये भी विवाद का हिस्सा बन गई है। असम गण परिषद पार्टी असम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। बता दें कि जयश्री राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। जयश्री गोस्वामी को सम्मान दिए जाने को भी राजनीतिक फायदे के लिए उठाया हुआ बीजेपी का कदम बताया जा रहा है। विवादों की इस सूची में आखिरी नाम है दक्षिण के बड़े संगीतकार इलैयाराजा का और इन्हें भी विवादों से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक प्रेक्षक कह रहे हैं कि इन्हें पद्म विभूषण देकर बीजेपी ने दक्षिण में अपने विस्तार की मंशा का संकेत दिया है। हालांकि दलित समुदाय से आने वाले इस मशहूर संगीतकार को मिला ये सम्मान उसकी प्रतिभा के हिसाब से गलत नहीं है। लक्ष्य राणा, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।